दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। अभी मैं कैमूर में हूं और यहां पर हमारी मुलाकात हो रही है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कह लीजिए प्रदेश सचिव हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से दूसरे प्रत्याशी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और लगातार संतोष कुमार अपनी पकड़ को बनाए हुए हैं, इसलिए कि उनके पास एक मास वोट है जो कहीं बिखरने का नाम नहीं लेता है, इससे दूसरे दलों के लोग घबराए हुए हैं। मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे जो कार्यकर्ता है क्या कहेंगे। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, मैं डॉक्टर राम इकबाल राम बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश सचिव। बहुजन समाज पार्टी का पूरी जनता जो है मुस्तैदी के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने जो संतोष कुमार को 34 सासाराम से जो अपना प्रत्याशी बनाया है, इनके जनाधार को देख कर चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो इंडिया और इंडिया ये दोनों घबराए हुए हैं। इनके जनाधार को देखते हुए संतोष कुमार जी चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए हम जनता से अपील करेंगे कि इनके आप बहकावे में न आएँ और हमारी जो जनता है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी है और भाई संतोष कुमार को चुनाव जिताए। अब किसी को मारा पीटा भी गया है, धमकाया गया है, खबर मिला है कि कांग्रेस के लोगों द्वारा जो बहुजन समाज पार्टी का वर्कर है उनको धमकाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट किया गया है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने ऐसा हरकत किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मेरा सरकार से और निर्वाचन आयोग से मेरा यही मांग है कि हमारे समर्थकों को जो धमकाया जा रहा है प्रशासन द्वारा उस पर तत्काल कार्रवाई करें। बहुजन समाज पार्टी के ज्यादातर वोटर जो बसपा को चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे। मैं अपने मतदाता मालिकों से अपील करूँगा कि आप किसी के बहकावे में न आए, शांतिपूर्वक 1 जून को सुबह लाइन में लगकर अपने वोट को जो है पोल कर दें। प्रमाण पिन पर हाथी चुनाव चिन्ह है, आप किसी से झगड़ा झंझट न करें तो आप अपना वोट करें। जो भी आपको धमकाया है आप सीधे प्रशासन से खबर करें, प्रशासन जो है आपका मदद करेगा। मैं उनसे यही अपील करूँगा। आप बहुजन समाज पार्टी में क्या है। मैं बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रदेश सचिव हूँ और क्या नाम हुआ। मेरा नाम है राम इकबाल राम। इकबाल राम ने कहा कि जिस तरीके से हमारे वोटरों या हमारे सपोर्टर या बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको कांग्रेस की तरफ से धमकाया जा रहा है और खबर मिली है कि मारा भी गया है, इस तरीके से इन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से इसका शिकायत भी करेंगे और चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लें। कैमरा में राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।